नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. नहीं गाना है मुझे. अच्छा चलो आप भालू के नाम कहने वाला. नहीं मुझे नहीं गाना है. अच्छा ऐसा करते हैं एक हाथी के दांत करने वाला. नहीं नहीं मुझे नहीं गाना. ले लो बाबा. नहीं रिजू जैनबी को तंग मत करो. जल्दी जल्दी खाना खा लो वरना बाथरूम में बंद कर दूंगी. पर मुझे नहीं गाना है. क्यों बच्चे के पीछे पड़ी हो? वो नहीं खाना चाहते हो तो रहने दो. जैनबी ले जाओ इसे बाहर. बच्चे की बड़ी फिक्र हो रही है आपको. तभी तो अपनी बेटी के रसम उस मासूम से करवाई. मिट्टी तक नहीं दी बेचारी को आपने. लाश कफन कब्रिस्तान ये सब मुझसे नहीं देखा जाता. मैं दिल पे पत्थर रखकर गई थी वहां और आप नहीं जा सके. नहीं जा सका. हमारी इकलौती बच्ची अब नहीं रही. वो मर चुकी है. मर चुकी है. मर चुकी है. अब तो उसे माफ कर दो. ये उसकी रूह को भी नहीं बख्शोगे. अरे ना तुमसे कभी बात नहीं करूंगा. नहीं कर रहा. अरे रिसु बाबा, ए
मेरे जुबाबा ना बेटा, ऐसे किसी से नहीं लड़ते। चल चल आजा मेरे साथ, आजा मेरे साथ। रिजु बेटा, तुमने रोहन को क्यों मारा? अच्छे बच्चे तो ऐसा नहीं करते। मैं रोहन से कभी बात नहीं करूंगा। क्यों बोला मेरी मम्मी मर गई? रिजु बाबा, तुम्हें मालूम है कल तुमने जिसे मिट्टी में डाला वो कौन थी? नहीं, वो रिजु बाबा की दूसरी मम्मी थी। परियों की शहजादी थी वो। उसका नाम था जुबैदा। उसकी मम्मी थी फयाजी बेगम और डैडी थे सुलेमान सेठ। नाना नानी जैसे? बिल्कुल वैसे। समंदर के किनारे पे उनका एक घर था जहाँ वो अपने मम्मी डैडी और अपने रिजु बाबा के साथ रहती थी। जैसे हमारा घर है। बिल्कुल वैसा घर था। एक बार पता क्या हुआ, जब रिजु बाबा बहुत छोटे थे ना, तो उनकी दूसरी मम्मी लाल परी बनकर फिल्म में नाचने लगी। जब वो हौले हौले नाच रही थी ना, तो एक हसीन जवान राजकुमार ने उन्हें नाचते देखा। उसने कहा, अरे वाह, कितनी खूबसूरत लाल परी है, इसे तो मैं राजकुमारी बनाकर अपने महल में रखूंगा। बस आनन फानन वो अपने जादू के जहाज में जुबेदा को उड़ा के ले गया। मुझे क्यों नहीं ले गई जादू वाले जहाज में? वो क्या है ना रिजु बाबा, वो अपने रिजु बाबा को लेने आ ही रही थी, अचानक उसका जहाज गिरकर टूट गया और तुम्हारी दूसरी मम्मी आसमान में चली गई। अब एक सितारे पे उसका घर है। जब रात को वो नाचने लगती है ना, तो सितारा टिमटिम करता है। मैं भी वहां जाऊंगा मेरा चंदा। दुनिया क्या जाने मेरा फसाना, ये वो डांस नहीं है, ये कौन सी रील है? नंबर 4 सर। नहीं, वो जिप्सी डांस रील नंबर 1 में है। बंजारा लड़की की पहली रील मिसिंग है सर, वो शुरू से नहीं मिल रही है। वही तो देखना चाहता हूँ मैं, उसमें मिस जुबेदा का डांस नंबर है। जुबेदा? उस जमाने की एक्ट्रेस थी, बस एक ही फिल्म की थी उन्होंने, ये बंजारा लड़की। आप बम्बई के जुपिटर स्टूडियो में चेक कीजिएगा सर, ये उनका खुद का प्रोडक्शन था, प्रिंट उधर ही से आया था, पूरा लॉट था 7-8 पुरानी फिल्मों का, शायद आपको वहां मिल जाए। ठीक है, थैंक यू। वेलकम सर। जुपिटर मूवी टोन का दफ्तर किधर है? जुपिटर मूवी टोन? ये स्टूडियो का ऑफिस। स्टूडियो कब का ठप हो गया? अब बिल्डर का ऑफिस है, हम बिल्डर के वॉचमैन है। बिल्डर? हाँ। यहाँ कोई है जो स्टूडियो के बारे में जानता हो? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है? नहीं साहब। ओ साहब साहब, इकड़े इकड़े। पार्टी खोली मजे ना, जे एक माणूस है, मातारा माणूस है, डांस मास्टर हिरालाल, त्याला जाऊन विचारा। कौन? हीरालाल जी। कौन है? आप हीरालाल जी हैं? हाँ, मैं हीरालाल हूँ। मैं रियाज मसूद हूँ, फिल्म जर्नलिस्ट हूँ। मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ बेटा, बैठो। आप फिल्म एक्ट्रेस मिस सुबेदा को जानते थे? बैठो। कौन? मिस जुबेदा। जुबेदा, जुबेदा बेबी। मैं उसे कैसे भूल सकता हूं? एक जमाने में उसका बाप स्टूडियो का मालिक था, सुलेमान सेठ। बड़ा कड़क था साला। एक बीवी उसके घर में थी और दूसरी जुबेदा बेबी
स्कूल के बाद हमेशा मेरे पास यहाँ आती थी और शाम को उसके अब्बा उसको गाड़ी में बिठा कर घर ले जाते थे। क्या गाड़ी थी, लंबी सी काली सी, हाँ ब्यूट। जुबेदा बेबी को डांस का बहुत शौक था। तीन चार मजा आ गया, बहुत खूब। आप हर रोज आइए रिहर्सल पे, एक दिन आप हिंदुस्तान की टॉप की हीरोइन बन सकती हैं। सच्ची बोल रहा जुबेदा। हेलो रोज। हेलो, हाउ इज एवरीथिंग? फाइन। डांस रिहर्सल ठीक ठाक चल रही है ना? एवरीथिंग इज जस्ट टिप टॉप सूली। आदाब। ठीक तो हो मास्टर जी? अच्छा हूँ। चलो बेटा घर चले, एक मिनट। चलो 7:30 याद है ना? ओके। मैडम, डेडिकेशन तो है ही नहीं, 7:30 मिलने जाना है, रिहर्सल नहीं करनी। मैडम अभी आई। बाय। उसके बाद सुलेमान सेठ ने ये स्टूडियो नंदलाल सेठ को बेच दिया। बड़ा खड़ूस था ये सुलेमान सेठ, वरना जुबेदा बेबी टॉप की हीरोइन बनती। एक फिल्म के अंदर उसने काम भी किया था। उस दिन क्या हंगामा किया सुलेमान सेठ ने, बाप रे बाप। सुलेमान भाई, आधा वर्ष है, कैसे आप? आइए तशरीफ लाइए। सेठ, जब से आपने स्टूडियो बेचा है आपने तो यहाँ आने की एक बार भी जहमत नहीं की। आप आ गए, हमारी तो किस्मत जाग गई है आज। मेरी बेटी कहाँ है? आपकी बेटी इज्जत, दौलत, शोहरत, इसकी मंजिल तय कर रही है। आज उसके स्टारडम का पहला दिन है ना, आप ही के आशीर्वाद की कमी थी। सेट आओ। शट अप यू। जुबेदा को वरगराने के जुर्म में मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। वो लड़की अभी नाबालिग है। मैंने उसे नहीं वरगलाया सेठ, बेबी अपनी इच्छा से मेरी पिक्चर में काम कर रही है, वो खुद आई थी मेरे पास। आप चिंता नहीं करो सेठ, मैं एकदम साफ सुथरी अच्छी फिल्म बना रहा हूँ। जुबेदा मेरी बेटी के जैसे भी। बकवास बंद करो। हाँ जी। सुलेमान भाई, बंद करो ये लचरपन और चलो मेरे साथ घर। छोड़िए मुझे। चलो। मैं नहीं आऊंगी। चलो। जुबेदा, इस वक्त तुम अपने अब्बा के साथ चली जाओ, ओके? जुबेदा, सीधी जाके गाड़ी में बैठो। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मैं फिल्म पूरी करूंगी। धीरे से काम लीजिए, हम लोग ये बाद में सब तय कर सकते हैं ना। अच्छा। सुलेमान भाई, मेरी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? नंदलाल, इसे कहो कि जाके गाड़ी में बैठे। अगर ये चली गई तो मैं डूब जाऊंगा सेठ। अरे तो डूब जाओ, मेरी बात मानो वरना तुम पछताओगे। सुलेमान भाई, ऐसा मत। नंदलाल, जुबेदा पिस्तौल लो मेरे पास। नहीं देती। लाओ। पहला वादा करिए, मुझे फिल्म में काम करने से नहीं रोकेंगे। तो अपनी मनमानी से बाज नहीं आएगी। अरे सुनी, सुलेमान से चलो। अरे चलो। अरे बेबी, तुम घर जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। सेठ जी। हाँ जी। तुम्हारा सत्यानाश हो गया। हाँ जी। वो भी क्या जमाना था, वाह क्या जमाना था। उस जमाने के फिल्म इंडस्ट्री के लोग बड़े जिंदा दिल थे, आजकल की तरह ना। ये लो। मुझे बंजारन लड़की की वो पहली रील की तलाश है जिसमें वो डांस नंबर था। पर क्यों? फिल्म जर्नलिस्ट हूँ ना, आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। सुना है बड़े कमाल का जिप्सी डांस था वो। हाँ, वो गाना मैंने डायरेक्ट किया था, हीरा लाल। लिखो हीरा लाल। लिखा। अरे उस जमाने के अंदर डांस डांस होता था, आजकल की तरह नहीं। डांस के नाम पर छोटे छोटे टाइट कपड़े पहन के 10-20 लॉन्डे पीटी करते हैं, पीटी, और मुंह में बोलते हैं ये डांस है। लेकिन वो रील मुझे कहाँ मिलेगी? अब कहाँ से मिलेगी,
सब खत्म हो गया, वो जमाना गया बाबा, वो जमाना गया। अब तो सुना है कि जुबेदा बेबी भी किसी के साथ भाग गई थी और बाद में इश्क विश्क के चक्कर में उसका मर्डर हो गया। अब तो सिर्फ एक ही बची है, रोजी, रोज डार्लिंग। कहां गए थे हैं? दो दिन से घर नहीं आए। पूना गया था। पूना? वहां पे क्या काम था? किसी ने बताया था वहां बंजारन लड़की का प्रिंट फिल्म आर्काइव्स में पड़ा है। बंजारन लड़की? बेहुदा फिल्म के पीछे क्यों पड़े हो? मिली? मिली? नहीं, अगर मिल भी जाती तो देखकर क्या फायदा हो जाता? मेरी मां की एक झलक तो मिल पाती। नानी, तुम किसी रोज फिल्म एक्ट्रेस को जानती हो? रोज? चुड़ैल के बारे में तुझे किसने बताया? नहीं, तुम तो नाम सुनते ही बिगड़ गई। कनमुही थी ही ऐसी, जिधर हाथ लगाए सूखा पड़ जाए। तेरे नाना और तेरी माँ दोनों पे जादू कर रखा था उसने। सूली। वेलकम माय डियर डियर रोज। हमेशा की तरह तुम आज भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही हो। थैंक यू सूली, बड़ी शानदार पार्टी है। लुक एट जुबेदा, शी लुक्स ब्यूटीफुल। खूबसूरत तो होगी ही, अगर बेटी किस बाप की है। मैं नंदलाल सेठ को भी साथ लाई हूँ। आपने इसे माफ कर दिया है ना? सोचेंगे, अगर ये शराब पीकर बच्चियों को बरगलाना छोड़ दे तो। अरे कैसी बात करते हो से, एक बार गलती हो गई कान पकड़ता हूँ। Let's forget it now. वैसे पार्टी है किस खुशी में भाई? मेरे बचपन के दोस्त साजिद मसूद के वापस लौटने की खुशी में। ओह वाह, आइए मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। साजिद भाई, ये है साजिद भाई, साजिद मसूद मेरे बचपन के दोस्त, और ये है उनके साहबजादे महबूब आलम, एडनब्रा से MRCP करके आए हैं, और इनसे मिलिए, ये हैं हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ सिने डांसर मिस रोज डेवनपोर्ट। अरे भाई, आपको तो हम जानते हैं। जी हाँ, अक्सर जिक्र किया है इन्होंने आपका, कभी अपनी बातों में कभी खतों में। और इनसे भी मिलिए, ये हैं नंदलाल जी, फिल्में बनाते हैं और बच्चियों को बरगलाते हैं। अरे क्या अभी तक दे। मैम आपका नाम किसे नहीं बता, हम सब तो फैन हैं आपके। Oh really? Thank you. How sweet of you. Come on, let's have a drink to that. जी नहीं, ये नहीं पीते, हमारे यहाँ ये आज भी हराम है। अच्छा, what a pity. Please excuse me, Suli. Yes, of course. तुम नहीं सुधरोगे सुलेमान, कभी नहीं। आज तक इसको अपने गले से लगाए हो, देखना एक दिन बर्बाद करेगी तुम्हें। अरे बर्बाद तो हम पहले ही हो चुके हैं यार। हेलो फयाजी, जुबेदा माय डियर, यू लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस। थैंक यू। हेलो फिरोजा, मैंने सुना तुम दोनों स्विट्जरलैंड पढ़ने जा रहे हो, लकी गर्ल्स। अटेंशन प्लीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे अजीज दोस्त साजिद मसूद, जो हमें छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, अब वापस हिंदुस्तान लौट आए हैं ताकि मुझ जैसे गुनहगारों को नेकी का रास्ता दिखा सके। ये पार्टी उनके लौटने की खुशी का जश्न है। चीयर्स टू साजिद भाई। ये जाम साजिद भाई के नाम। कम ऑन, वी नीड सम म्यूजिक। और उस शराब के नाम जो हराम है, मोरारजी भाई के राज में भी। दोस्तों, मैं आप सबको एक खुशखबरी सुनाना चाहूंगा। साजिद भाई और मैं अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं, इसलिए मैं अपनी बेटी
जुबैदा की शादी इनके साहबजादे महबूब आलम से करने जा रहा हूं। हमें आप सबके नेक दुआओं की जरूरत है। जानती हो कि हमें वही करना होता है जो साहब चाहते हैं। अब्बा हैं तुम्हारे। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे अब्बा ने मुझसे पूछा था, आपकी तरह मुझे एक दुधारू गाय नहीं बनना जिसकी नाक में रस्सी डाल के कोई कहीं भी ले जाए। सब मेरा ही कसूर है क्या? इतना काफी नहीं है कि साहब अपना सारा गुस्सा मुझ पे उतारते हैं, अब तुम भी मेरा दिमाग चाट रही हो। जूबी मुझे ऐसा मत सताओ, मैं सह नहीं पाऊंगी, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। खुदा के लिए साहब से माफी मांग लो। मत रो अम्मी, मैं कल अब्बू से माफी मांग लूंगी, बस तुम्हारी खातिर।